दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो भारत में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जब बात भगवान शिव की हो तो उसकी बात ही निराली है। देश भर में भगवान शिव के कई अनगिनत मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे पहले जो याद आते हैं वो है उनके 12 ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि भोले बाबा के इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण और दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं, और इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी, हरे भरे जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा केदारनाथ आने वाले हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते इस जगह का खास महत्व है। साथ ही इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़े उसके इतिहास और 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के राज के बारे में बताएंगे। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इस मंदिर को यहाँ के मौसम के हिसाब से देखते हुए अप्रैल से नवंबर महीने तक ही खोला जाता है। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। केदारनाथ मंदिर की एक ऐसी हकीकत भी है जिससे कम ही लोग वाकिफ होंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित बचा रहा। 13वीं और 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की है और उसी के आधार पर वो मंदिर के बर्फ में दबे होने का निष्कर्ष निकाल पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी कुछ निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे ना सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तुएं रगड़ खाती हुई चलती हैं। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की ओर पत्थर समतल हैं, जैसे कि उनकी पॉलिश की गई हो। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की। बता दें कि लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग एक तकनीक है जिसके जरिए पत्थरों और ग्लेशियर के जरिए उस जगह की उम्र का अंदाजा लगता है। यह दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा। अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेलकर बन चुका है तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। शायद इसे बनाते वक्त इन बातों को ध्यान रखा गया होगा कि क्या ये बर्फ ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को सह सकता है। केदार घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। सिर्फ इतना ही नहीं, तीन पहाड़ के साथ यहां 5 नदियों का संगम भी है, मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहां सदियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी होता है। मंदिर का निर्माण।
विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था उसके पहले ही यह मंदिर बन चुका था। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर, 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर आर के डोभाल भी इस बात को दोहराते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसकी दीवारें मोटी मोटी चट्टानों से पटी हैं और उसकी जो छत है वह एक ही पत्थर से बनी है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में सक्षम बनाती है। 2013 की तबाही। केदारनाथ में आई साल 2013 की प्रलयकारी आपदा सदियों तक लोगों के जहन में रहेगी। इस आपदा में हजार लोगों की जानें चली गईं, कई घरों का नाम और निशान मिट गया। केदारनाथ और इसका तीर्थ स्थान दोनों इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे, लेकिन जल प्रलय में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि एक शिलाखंड यानी कि चट्टान ने मंदिर की तरफ बढ़ रहे सैलाब का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और इस तरह भगवान शिव का ये मंदिर सुरक्षित रह गया। ये महान वास्तुकला का ही एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी तबाही के बीच भी केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि अपने ओरिएंटेशन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल की वजह से ही केदारनाथ का मंदिर इतनी भीषण तबाही झेल गया। मंदिर के गुंबदों को लोहे के क्लैंप से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है, यही कारण है कि वे आज भी बरकरार हैं। मंदिर के अंदर मौजूद पत्थरों पर बहुत मामूली सा फर्क पड़ा है। ASI के एडिशनल डायरेक्टर BR मनी का कहना है कि 100 के पैमाने पर यह मंदिर 99% तक सुरक्षित है। वैसे इस मंदिर का एक और दुर्लभ पहलू इसकी उत्तर दक्षिण दिशा भी है। आमतौर पर मंदिरों का मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होता है, लेकिन इस मंदिर का द्वार दक्षिण की ओर है, जो कि बहुत कम देखा जाता है। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? साथ ही आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।